जिस बैरूनी साजिश का बड़ा शोर था, जिसके ताने बाने मुख्तलिफ मुमालिक से मिलाए गए, उसका तो बिल्कुल ऑडियो लीक्स ने तमाम चीजें खोल के रखती, तो क्या कहेंगे आप ये ऑडियो लीक्स के हवाले से जो यके बाद दीदे आती जा रही हैं? देखिए, हैरानगी की बात तो ये है कि जो चीज आप इसकी उठाएं, इसको मैं खामखा फितना नहीं कहती, जो चीज आप इसकी उठाएं उसमें से साजिश निकलती है, तो इनका असल नाम तो साजिश खान होना चाहिए। और आप ये बताएं कि आज जो लीक्स आई है उसमें लोगों को वो क्या कहता रहा? लोगों को कहता रहा कि हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले बुरे हैं और लोगों पे झूठे हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम लगाता रहा, और बंद कमरों के पीछे वो अरकान की अपने मेंबर्स की खरीदो फरोख्त की मंडियां लगा के बैठा रहा और लोगों को कहता था कि ये शिर्क है, जो ये करता है वो शिर्क करता है। तो अगर ये शिर्क है तो सबसे बड़े मुशरिक तो इस लिहाज से खान साहब खुद हुए। और साजिश जो है ये तो आज पकड़ी गई है ना। बात ये है कि साजिश तो ये हमेशा से कर रहा था, किसको पता है? पता नहीं है कि 2011 में इसको किसने लॉन्च किया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, किसको पता नहीं है कि धरने में जो 2014 में ये लेकर आया उसके पीछे कौन था, किसको ये पता नहीं है कि जब 2018 का इलेक्शन था उसमें क्योंकि नवाज शरीफ से जीतना मुश्किल था, नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून को हराना मुश्किल था, तो किसको याद नहीं है कि किस तरह से चुन चुन के नवाज शरीफ के जो इलेक्टेबल्स थे, जो उनके विनिंग हॉर्सेस थे, जो उनके क्योंकि ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत उस वक्त इतनी ज़्यादा थी कि इलेक्शन जीतना इनको पता था कि नवाज शरीफ साहब के साथ अगर फाउल प्ले ना किया गया तो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो आप ये देखो कि किसको वो दिन याद नहीं है कि किस तरह से एक एक जो जीतने वाला हमारा मेंबर था उसको उठाकर इलेक्टोरल फील्ड से बाहर किया गया, किस तरह उनको पता था कि नवाज शरीफ साहब के रहते हुए ये इलेक्शन नहीं जीत सकता, तो किस तरह नवाज शरीफ पर झूठा मुकदमा बनाकर उनको झूठे मुकदमात में उलझाकर उनको ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल अरीना से बाहर किया बल्कि उनको जेलों में डाला, झूठी सजाएं दी। किसको पता नहीं है कि बलूचिस्तान में क्या होता रहा, किस तरह हुकूमत बदली गई, क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर हुई थी, क्या वो शिर किए बगैर हुई थी, या क्या वो अरकान की जो खरीदो फरोख्त है उसके बगैर हुई थी। उसके बाद जब सेनेट का इलेक्शन था, बजिंजो साहब हमारे कैंडिडेट थे, तो जो अपोजिशन थी उसके अराकीन की तादाद पूरी दुनिया के सामने हुकूमती अराकीन से कहीं ज़्यादा थी, और आपने सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट देखा कि ये साजिश करके जीत गया। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह वो माइक्स लगाए गए, छुपा के कैमराज लगाए गए, और किस तरह से वो उठा के अराकीन को कंटेनर्स में बंद किया गया, उनको फ़ोन कराए गए। तो कर तो वो ये हमेशा से रहा था, बात सिर्फ ये थी कि ये पहली बार इसकी साजिश नाकाम हुई है, और उसकी वजह ये है कि अब ना हाथ हैं, ना आंखें हैं, ना कान हैं, और बैसाखियाँ नहीं हैं। तो सुनते हैं और रोज़ दावा करता है कि मैं पॉपुलर हूँ, मैं ये हूँ। आप सिर्फ ये देख लें कि बैसाखियाँ हटी हैं तो किस तरह जमीन पे मुंह के बल आके गिरा मैडम इसमें। और एक और बात ये कि जैसे ये कामयाब होता है साजिशों में, ये पहली बार इसकी साजिश नाकाम हुई है, इसी तरह ये पकड़ा भी पहली बार गया है, करता ये हमेशा से यही रहा है, फाउल प्ले करता रहा, आज पकड़ा पहली बार गया है। तो अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज होती है, हमेशा से इस तरह से साजिशें कामयाब नहीं होती, अब पूरी दुनिया इनका ये स्याह चेहरा देख रही है। ऑडियो लीक्स ये दूसरों के बारे में जो कहता रहा, लेकिन जो ऑडियो लीक्स आई हैं उसमें इदारों को भी इसने निशाना बनाया और साबित हो रहा है उसमें, आप क्या कहना चाहेंगी? और ये खासतौर पे सबसे ज्यादा इमरान खान आप पे ही तनकीद भी करते हैं, जो आज भी एक ऑडियो लीक आई है मीर जाफर, ऑडियो लीक्स का ये इसके बयानिए पे क्या असर समझते हैं जो लोग इसको फॉलो कर रहे थे या कर रहे, तो इन ऑडियो लीक्स पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिये, मैं तो इस पे यही बात कहना चाहूंगी कि ऑडियो लीक्स जो है ना वो ये अपने बयानिए की बड़ी बात करता है। आज कौम को पता चल गया है, आज सिर्फ कौम को नहीं बल्कि जो कभी ये मानकर चले थे, जो इसके अपने सपोर्टर्स थे जिन्होंने इसकी बात पर यकीन किया था, तो आज वो लोग भी सवाल करते होंगे। पूरी दुनिया के सामने इसका जो साजिशी चेहरा है वो सामने आया है। बात सिर्फ ये नहीं है कि ऑडियो लीक्स आई, आप देखें ऑडियो लीक्स में इसके ऑडियो लीक्स ने इसके बयानिए का तिया पांचा कर दिया, क्योंकि वो हर चीज जो इसने बयानिए में कभी कही थी वो सब झूठ थी, वो सब साजिश थी।
छांगा मांगा का इल्जाम लगता रहा बड़ा जोर शोर से, छांगा मांगा में खरीदो फरोख्त। अब जो नई ऑडियोज आई है उसमें तो 5 बंदे खरीदने का बिल्कुल साफ और शफाफ सुना जा सकता है। तो इस हवाले से एक क्या कहेंगी कि जो जमीर फरोश कहा जा रहा था अफराद को और आज वो शख्स खुद ही देखिए आप इस शख्स के साजिशी दिमाग का आप वो शैतानी दिमाग जिसको मैं कहूंगी साजिशी नहीं शैतानी दिमाग आप देखें कि जलसों में खड़ा होकर लोगों को कह रहा है कि लोटों को वोट ना देना, उनके लोटों के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं और खुद बंद दरवाजे के पीछे क्या कर रहा है कि 5 जो है वो मैंने खरीद ली और 5 जो है वो और खरीद के लाओ। किसको कह रहा है खरीद के लाओ, वो अल्लाह जाने वो कौन है और पता नहीं वो कौन सा कोई नया हाथ आंखें कान है, मुझे पता नहीं है वो किसको कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए जो भी जायज है करना वो करो। लोगों को जलसे में खड़ा होकर क्या भाषण देता है, लोगों को जलसे में खड़ा होकर मजहब को इस्तेमाल करता है, उनके ऊपर अटैक्स करता है, रियासत मदीना का दावेदार है और लोगों को शिर्क का मतलब समझाता है और बंद दरवाजे के पीछे ये शख्स के उससे बिल्कुल उलट काम कर रहा है। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ये लोगों को जब ये कह रहा था कि मेंबर्स की खरीदो फरोख्त हो रही है तो वो तो झूठा इल्जाम, उसका एक भी सबूत ये नहीं दे सका और उल्टा वो बंद दरवाजे के पीछे अरकनीन की वो खरीदो फरोख्त कर रहा था। मैडम इसका जो अभी जो बयानिया फॉलो कर रहे थे जो लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे इन ऑडियो लीक्स के बाद? मैं तो उनको ये कहना चाहूंगी कि मुझे हमदर्दी है उनके साथ कि उन्होंने कभी इसकी बात पर यकीन किया होगा। तो इस शख्स में इतनी इखलाकी जरूरत तो है नहीं कि इसको अगर कोई ये कहे कि तुम अपने लोगों से माफ़ी मांगो, बस इसकी सज़ा यही है कि इसका जो घिनौना चेहरा है, जो इसका डबल फेस है, वो लोगों के सामने आ गया। इसकी हर बात झूठ निकली और आज जो इसने जो अभी ऑडियो लीक्स आई उसने मुझे अभी इसका मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है उसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने मीर जाफर और मीर सादे को लोगों को स्पून फीड करना है और ब्रांड करना है। तो आप इनकी साजिश देखें कि अभी आप ये कह रहे हैं कि आपने ब्रांड करना है मीर सादे मीर, अभी हिम्मत नहीं है नाम लेने की। तो मतलब ये है कि अभी हम आपको चांस दे रहे हैं, आप हमारे साथ डील कर लें, आप मुझे दोबारा इकतदार में ले आएं, अगर आपने इकतदार में नहीं लेके आएंगे तो फिर मैं अगले स्टेप का अनाउंस करूंगा। जो मीर जाफर और मीर सादे के, ये मीर जाफर और मीर सादे किसको कह रहे हैं ये तो खुद बताएंगे, मीर जाफर और मीर सादे वो किसको कह रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको कहा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ डील के लिए और वो दोबारा से बेसाखियां ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या आपकी पार्टी उनसे किसी भी सतह पे कहीं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार? जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि ऐवान सदर के थ्रू कोई बात हो रही है और ये तासर खुद भी दे रहा है कि मुझे शायद कोई डील मिल रही है। देखिए अगर कोई सियासी शख्स होता तो मैं ज़रूर अपनी पार्टी को भी कहती कि उसके साथ बैठे, हम खुद भी बैठने को तैयार होते। लेकिन जो शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है बल्कि जुर्म साबित हुआ कि वो बैरूनी ताकतों से पैसे लेकर आया, जिसको मैं FFF कहती हूँ, फॉरेन फंडेड फितना, तो बैरूनी ताकतों का गुलाम है, लोगों को आज़ादी का भाषण देता रहा और बंद दरवाज़ों के पीछे वो उनको बेवकूफ़ बनाता रहा, साजिशें करता रहा, वो तो अल्लाह ताला ने अब पूरी दुनिया को दिखा दिया। तो बात यह है कि एक फॉरेन फंडेड फितना जो लॉन्च ही इसीलिए किया गया है कि वो इस मुल्क में तबाही लाए, इस मुल्क में फितना लाए, इस मुल्क में इंतशार लाए, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आने दे, उसके साथ बैठना नहीं है, उसको इबरत का निशान बनाना है, उसको कानून के हवाले करना है कि किस तरह से 22 करोड़ मुल्क के साथ वो कहता है खेलना है, तो ये खेलने की इजाज़त इसको हम नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला, इसको कानून का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू।